हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। सबसे पहले बहुत ही गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हुई है और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ। तो क्योंकि मैं कल नहीं डाल पाई आपके लिए रीडिंग, तो मैंने आज सोचा कि कोई काम शुरू करने से पहले मैं आज पहले रीडिंग ही डाल दूँ, ताकि आप लोगों के दिन की शुरुआत रीडिंग से हो। कोई गाइडेंस अगर आपको आनी है तो वो मिल जाएगी। तो देखते हैं गाइस, थोड़ा आज का भी टॉपिक हम थोड़ा इम्पोर्टेंट ही लेंगे कि अगर आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो क्या चल रहा है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, उनकी करंट एनर्जी देखेंगे और फिर हम लोग उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है, हम ये भी देखेंगे। एक टॉपिक हम एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। दुआ होगा गाइस, क्योंकि अभी मैंने पूजा की है तो थोड़ा दुआ होगा। तो अभी मैं देखती हूँ क्या है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, क्या चल रहा है करंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच, क्या चल रहा है। टावर, करंटली आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच चल क्या रहा है। ओके, एक ब्रेकडाउन तो हुआ था गाइस, बट मुझे लगता है यहाँ पे किसी एक ने फिर से प्रपोज किया, या तो आपके पर्सन ने किया थर्ड पार्टी को, या तो थर्ड पार्टी ने किया है। नहीं किया है तो ये करने की फिराक में है। या फिर कोई दूर गया है अपने पूरे एक्शन के साथ, हो सकता है किसी एक ने इस रिश्ते से रुख कर लिया है, या फिर कोई एक अगर दूर गया था तो उसके पास आने की भी एनर्जी है। अब यहाँ पे काफी सारी स्टोरीज मुझे मिल रही है गाइस, तो मुझे जैसे जैसे इंट्यूशन आते हैं मैं बोलूँगी, आप अपनी लाइफ की क्या स्टोरी है कनेक्ट करके देख लेना। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो इसीलिए इतने सारे मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, तो आप देख लेना अपना कैसे आता है। हो सकता है कोई किसी का काम ही दूर है, किसी को काम के लिए दूर जाना पड़ रहा है, किसी की जॉब दूर लगी है। टावर मोमेंट तो है। फैमिली की एनर्जी आई है गाइस यहाँ पे। थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पर्सन मैरिड है तो मुझे लगता है अपने फैमिली के साथ फिलहाल तो आपके पर्सन खुश है। देखते हैं आगे क्या है। बट ये शायद किसी का लगता है खुश है, किसी को लगता है बर्डन कैरी कर रहे हैं, खुश है ये बता रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे या तो खुद को या तो लोगों को। उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से सिचुएशन को डील करना है। अब जा रहे हैं अपना बर्डन कैरी करके जा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो रिश्ते में तो पूरी टाइट फीस हुई इनकी। अब देखते हैं और क्या एनर्जी है। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी से शादी की है या फिर शादी जैसा कोई रिश्ता बनाया है, तब उनको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से बेवकूफ बने हैं, बस एक बर्डन कैरी करते जा रहे हैं ये। क्या है
energy Archangel Michael, please guide me. Ace of Cup. नई शुरुआत हुई है थर्ड पार्टी के साथ, फिर भी रिश्ते की. Archangel Michael, please guide me properly. अब तो बहुत दे दिए. फाइव ऑफ कप की एनर्जी है, नाइन ऑफ सोर्स है एंड टू ऑफ पेंटेकल्स है. तो एनर्जी तो बहुत आई है गाइस. एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फोर ऑफ वैंड्स. देखिए अब यहाँ पे सीनेरियो क्या क्या लग रहे हैं ना, कि बहुत स्ट्रेस एंजाइटी किसी किसी को हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ. अगर वो चले गए हैं आपको छोड़ के, उनके साथ उन्होंने शादी बना ली, उनके साथ उन्होंने कोई रिश्ता बना लिया है, उनके साथ इनके बच्चे हैं, तो यहाँ पे उनको डेफिनेटली अब लग रहा है कि एक बर्डन कैरी किया है उन्होंने. अब ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास क्यों गए हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी फर्स्ट थिंग कि इनकी या तो वाइफ है, सेकंड थिंग इनका जो मनी अबेंडेंस है वाइफ का, वाइफ की ओर से, या फिर स्टेबिलिटी है वो अच्छी है. इसी के चलते ये पर्सन थर्ड पार्टी के पास तो गए हैं, बट वहाँ पे उनको सिवाय बर्डन के कुछ नहीं लग रहा है ये रिश्ता. लगता है इनको कि ये बेवकूफ़ बन गए. बट हो सकता है ना कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की ओर से या फिर आपके पर्सन की ओर से फिर से एक नई शुरुआत हुई है. बट फिर भी वहाँ जाके भी क्या हो रहा है ना, एक इस पर्सन की एक मिसिंग वाली एनर्जी होती है, कि जैसे कि ये वहाँ पे रह तो रहे हैं बट मिस ही आपको कर रहे हैं. अगर आप इनसे मैरिड और ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में है, उनके साथ इमोशनली अटैच है, तो यहाँ पे इस पर्सन को इस चीज़ को लेके हमेशा गिल्ट रहेगा. इमोशनल गिल्ट की एनर्जी की, इमोशनली इस पर्सन को एक गिल्ट है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है सच में बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, ऐसे इनको करना नहीं चाहिए था. ये एनर्जी यही इंडिकेट करती है कि इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था. ये स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, गिल्ट हो रहा है, स्लीपलेस नाइट हो रही है, सो नहीं पा रहा है, किसी के मेजर हेल्थ इशू हुए हैं या फिर होंगे आगे चलकर. पर्सन बैलेंस बनाने की एनर्जी में है कम्प्लीटली, अपने आप में, थर्ड पार्टी में, या फिर आप और थर्ड पार्टी के दोनों के बीच, या फिर इस पर्सन ने अगर कोई काम शुरू किया है तो वहाँ पे भी इस पर्सन की चल रही है. बट यहाँ पे देखो तो थर्ड पार्टी के साथ इनकी एनर्जी इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इतना ही लग रहा है मुझे, मैं इतना ही पिकअप कर पा रही हूँ कि इनकी एक मैरिज है थर्ड पार्टी के साथ और एक स्टेबिलिटी है, एक फाउंडेशन है इनका बनाया, और अब ये नहीं चाहते कि कोई लाइफ में आगे चलकर रिस्क हो या फिर किसी ये पर्सन ना थोड़ा एक सोसाइटी बोलते ना कि सोसाइटी में अपनी इमेज कॉन्शियस है, तो इस चीज़ से इस पर्सन को फिर से कोई स्ट्रगल नहीं करना है, तो इसीलिए ये पर्सन गए हैं थर्ड पार्टी के पास. वहाँ पे इनकी शुरुआत भी हो रही है, बट वहाँ पे शुरुआत होके भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं. देखते हैं द टावर की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स. मुझे लगता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड कंट्रोलिंग हो गई थी, ये आपके पर्सन को हर तरीके से कंट्रोल कर रही थी और ये आपके पर्सन शायद नहीं कर पाई ये चीज़ बर्दाश्त. ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स का भी मैसेज था गाइस, मैं लेना यहाँ पे अभी देखा मैंने. तो ये डिटैचमेंट की एनर्जी तो है यहाँ पे, क्योंकि ये इसके साथ आया था, तो डिटैचमेंट तो है थर्ड पार्टी के साथ. इस पर्सन का डिटैचमेंट की एनर्जी है. बॉटम ऑफ द डेक या फिर फोर ऑफ वैंड्स से मुझे लगता है यहाँ पे मैरिज जैसी सिचुएशन की थर्ड पार्टी के साथ थी, मैरिज जैसा रिलेशन था. बट अभी क्या है ना कि अभी ये डिटैचमेंट की एनर्जी में है. क्यों? क्योंकि टावर क्यों आया है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी, मैनिपुलेटिव थी. मैं हमेशा 10 कार्ड निकालती हूँ गाइस, आज 12 कार्ड आ गए. एंजल शायद आपको ज़्यादा मैसेज देना चाहते थे. अब देखते हैं नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है. आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी. जी किंग ऑफ सोर्स भी आता है और फिर क्वीन ऑफ सोर्स भी आता है, तो ये बिल्कुल ही एक दूसरे को इन्होंने कट करके रखा है. ये नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी किसी एक ने कोशिश तो कोई करता है, बट यहाँ पे दूसरा जो है ना कम्प्लीटली कट करके बैठा है. एक से कोशिश हो रही है रिश्ते में सुधार लाने की, बट दूसरे ने कम्प्लीटली कट करके रखा है.
सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? मुझे लगता है ये आपके पर्सन है जिन्होंने कट करके रखा है, थर्ड पार्टी की ओर से कोशिश तो हो रही है। कोई एक किसी एक बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड था यहाँ पे, एडिक्टेड भी होगा कोई, जैसे कि ड्रिंक के हैबिट बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो, गाली गलौज करना, एबिस करना, मारपीट तक करना, ऐसा कुछ इस रिश्ते में था शायद। तो और हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड स्वार्थी, जिससे एनर्जी अपने पैसे को लेके ज़्यादा सोचना, ऐसी एनर्जी थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मनी माइंडेड होने के कारण, मैनिपुलेट होने के कारण, मुझे लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी की जिन्होंने वहाँ से चलते बने उस रिश्ते से। सेवन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स? सेवन ऑफ पेंटिकल का क्लैरिफाई करिए आर्कएंजल माइकल, प्लीज क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, अगर ये पर्सन का कनेक्शन में भी है, थर्ड पार्टी के साथ बात भी करते हैं, तो मुझे लगता है कोई पैसे को लेकर ही कोई बातचीत होती है इन दोनों में, मनी से रिलेटेड कुछ तो है दोनों में, इसीलिए हो सकता है कि इसी के चलते इन दोनों में अभी भी कम्युनिकेशन है। हाँ, टेन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? ये पर्सन अपने ट्रेडिशनल मैरिज, देखिए इसको भी हेरोफेंट ने क्लेरिफाई किया है, अपने ट्रेडिशनल मैरिज के पास ही ये पर्सन डेफिनेटली मूव हुआ है। और मतलब ये अगर आप हो इनकी ट्रेडिशनल मैरिज, तो ये आपके पास आए हैं। और अगर देखिए यहाँ पे एक एनर्जी आपके लिए इसलिए मुझे इंडिकेट हो रही कि अपने ट्रेडिशनल मैरिज के पास, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड नहीं है तो ये वहाँ से निकल गए और अपने ट्रेडिशनल मैरिज के पास आए, मतलब ये हो सकते ही आप है, हो सकते आप इनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो। डेफिनेटली आप में से कई सारे के पर्सन है जो आपसे कनेक्ट हुए हैं, कम्युनिकेशन में है, रिग्रेट में है, किसी के पर्सन ने माफी मांग के रीयूनियन के लिए भी बोला हो, क्योंकि ये पर्सन आप ऑफर कर रहे हैं अपने मैरिज में अपने पर्सन को वो अनकंडीशनल प्यार जो आप डिजर्व करते थे। तो आप पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे आपके एंजल माइकल, प्लीज गाइड मी टू अप पेंटेकल। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है पर्सन, ये हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि ये अभी तो इस वक्त आपके पास कप लेके आए हैं, यहाँ पे भी कप लेके स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे भी कप लेके आपके पास आए, मतलब दो दो कप लेके आए, इसीलिए दो दो पेंटेकल्स है। तो बैलेंसिंग की एनर्जी, ये मैं ये नहीं बोली कि इन्होंने थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली कनेक्शन कट किया है, नहीं, ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन हुए, उनमें हो सकता है कि टेम्पररी सेपरेशन हुआ हो और ये पर्सन आपके पास आए हो, क्योंकि वहाँ पे कुछ घटा है, कुछ हुआ है, इनको ट्रिगर कुछ किया मिला है, इसीलिए ये पर्सन आपके पास आए। बट अभी भी थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन कम्युनिकेशन में, हालांकि ये पर्सन प्यार आपको ऑफर कर रहा है, आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं फिर ऐसा है तो भाई ये एनर्जी आपकी क्यों मिक्स हो गई, क्योंकि एक्स्ट्रा तीन कार्ड आए ना, इसीलिए मुझे लगा शायद एंजल्स इसी एनर्जी में आपके लिए दे मैसेज, बट मैं इनके लिए भी निकालने वाली थी एंजल। टेन ऑफ फैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ फैंड्स। ट्रस्ट इश्यूज तो इस पर्सन को बहुत थे थर्ड पार्टी के साथ, ये रिश्ता थर्ड आपके पर्सन का ना बोझ बन गया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यू थे। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव थे, अपनी बात मनवाना, अपना चलाना, अपनी ही मतलब हमेशा अपनी मनमानी करना, कुछ ट्रस्ट इश्यू भी थे इन दोनों में, लिमिट्स थे। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के ऊपर बाउंड्रीज डालती हो, कंट्रोल करती हो उनको,
या फिर इनके खुद के ट्रस्ट इश्यू हैं, ऐसा कुछ हुआ हो दोनों में। अब दो फुल की एनर्जी देखते हैं, फुल की एनर्जी क्यों है, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, या फिर फुल की एनर्जी क्यों है। अगर ये पर्सन आपके पास आए नहीं ना गाइस, तो ये पर्सन डेफिनेटली इनके मन में चल रहा है कि आपसे तो रिकन्सिलेशन करना चाहिए और अपने फैमिली में वापस आना चाहिए, और जो आप डिजर्व करते थे ये प्यार आपको देना चाहिए। हालांकि मेंटल थॉट में ये पर्सन है, एक्शन में कितने पता नहीं है मुझे, बट ये मेंटल थॉट में इस पर्सन के दिमाग में तो चल रहा है कि आपके वापस आया जाए और जो ट्रेडिशनल मैरिज है इससे रियूनियन हो जाए। अब हो सकता है किसी के पर्सन आ भी गए हैं और किसी के पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल को टू ऑफ कप क्लेरिफाई कर रहे थे, इसीलिए कि मैं ये कन्फर्मली नहीं बोल सकती कि ये पर्सन आए हैं, बट इस पर्सन के दिल में दिमाग में चल रहा है कि अब जाया जाए। फिर ये बैलेंस करने लगते कि मैं जाऊंगा बट क्या होगा, अब मुझे तो कोई लेगा नहीं, मुझे तो वैसे भी इन्होंने लेफ्ट अलोन फील करवा दिया है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी फुल बने हैं और अब लगता है इस पर्सन को कि इनका इमोशनल जैसे कि लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं। इमोशनल बोलते हैं ना कि ड्रेन, इमोशनली ड्रेन हो रही है पर्सन वहाँ पे। यहाँ पे आने की सोच रहे हैं, दिमाग में प्यार तो उमड़ रहा है आपके लिए, यूनियन करने की भी एनर्जी आ रही है, बट कंफ्यूज है, फिर भी सोच नहीं पा रहे, बैलेंस करने की एनर्जी है वहाँ पे भी। देखें मैं यहाँ पे कंफ्यूज बोला, मैंने कंफ्यूज आ भी गया। एस ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, टू ऑफ सोर्स कंफ्यूज है, वहाँ पे भी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं बट फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते मैं कब किसके पास लेके जाऊँ, उसके पास है इसके पास, कंफ्यूज है ड्यूअल माइंड सेट में ये पर्सन। अब ये उम्र में कितने बड़े मुझे पता नहीं, बट मुझे लगता है इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही मैच्योर है। फाइव ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्स, ये पर्सन ना क्लियरिटी चाहते हैं, और जो कुछ भी हुआ है ना गलत हुआ है, इस पर्सन को अब क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए। इनको लगता है कि जैसे कि मैं कहाँ फंस गया या फिर इतना कैसे मेरे साथ गलत हो गया, कम्युनिकेशन तो चाहते हैं। अब ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन आपसे भी चाहते हो, क्योंकि वहाँ पे इनकी निराश होने की एनर्जी, अकेले रहने की एनर्जी है, जैसे कि वहाँ पे फंस गए हैं, अटक गए हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस से एंजाइटी है, और ये स्ट्रेस एंजाइटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आया है टेन ऑफ सोर्स, क्योंकि इनके साथ वही हुआ है धोखा वहाँ पे, और धोखा ऐसा हुआ है कि पूछो मत, इनकी तो रातों की नींद उड़ चुकी है, सो नहीं पा रही है पर्सन। मुझे लगता है अपने इस धोखे से निकलने के लिए ये पर्सन दिन रात अपने आप को काम में बहुत बिजी रखते हैं, ताकि इतना थक जाओ कि थकार के मैं सो जाऊँ, मैं सोचने की मुझ में ताकत ही ना रहे। क्योंकि जब भी अकेले रहते हैं यहाँ पे एनर्जी आते हैं, जब भी अकेले रहते हैं और जबकि कोई क्लियरिटी इनको मिली ही नहीं है, जो कि चाहते थे, ट्रांसपेरेंसी चाहते थे, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते थे, वो इनको मिला नहीं है, तो जब भी अकेले रहने की कोशिश करते या फिर अकेले होते तो वहाँ पे मायूसी इन पे छाती है, तो इसीलिए इस पर्सन सो नहीं पाते हमेशा। इस पर्सन की एनर्जी अब ऐसी कि किसी ने सबको मतलब एक तो किसी से बात अच्छे से न करना, रूडली बात करना, किसी को भी झगड़े वाले एनर्जी में रहना, तो सबको डिटैच कर देना, सबको अपने आप से दूर कर देना, अकेले रहना। अकेले रहने के बाद समझ में आता है कि किस तरह से बेवकूफ बन चुके फुल की एनर्जी इसके नीचे। फिर चाहते शुरुआत करो, बट शुरुआत करने के बाद फिर सोचते हैं कि नहीं इतना तो गलत हुआ है, फिर से स्टार्ट करना ठीक रहेगा, इसके साथ स्टार्ट करो, उसके साथ स्टार्ट करो, उसको धोखा दे के आ गया हूँ, उसको छोड़ के आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। अब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ पैंट्स। फिर भी नहीं, ये पर्सन मुझे लगता है कोई ना कोई तरीका निकाल के आपके पास आएंगे, जिन्होंने आपको आपने उनको डिटैच करके रख दिया है, बट ये आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आने की कोशिश कर रहे हैं एक्शन के मोड में। यहाँ पे आखिरी कार्ड पे मुझे दिख रहे ये पर्सन जैसे तैसे कोई एक्शन लेके कोई ना कोई रास्ता निकाल के आपके पास आ रहे हैं, जिनको इन्होंने डिटैच कर दिया था। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अगेन नाइन ऑफ कप है, यहाँ पे फोर ऑफ पैंट्स। इनकी जो मैरिज, अगर आपके साथ इनकी मैरिज है तो इनकी मैरिज ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, इनकी मैरिज ही उनको वो हैप्पी लविंग लाइफ दे सकती है। इस पर्सन को ये रियलाइज हो चुका है।
थर्ड पार्टी की एनर्जी में निकाल रही थी, थर्ड पार्टी की ओर से तो भाई इनका तो हो चुका है तबादला, और ये पर्सन की थर्ड पार्टी की एनर्जी में ही आपके पास आने की एनर्जी आ रही है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का यूनियन या तो हो चुका है या फिर बहुत नज़दीकी फ्यूचर में ये पर्सन आपसे रिकनेक्ट डेफिनेटली होंगे। यहाँ पे ना गाइस 5 और 10 की एनर्जी बहुत आई, हो सकता है या आगे के 5 डे 10 डेज या फिर 5 वीक्स टू 10 वीक्स का समय हो सकता है जहाँ पे आपके पर्सन का रिकन्सिलेशन रियूनियन हो। अब ये डिपेंड ऑन योर सिचुएशन कि आपकी सिचुएशन कितनी टॉक्सिक है, अपने आपके प्रॉब्लम कितने बड़े हैं, इस पे डिपेंड है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मेजर नहीं है, बहुत ही मामूली आप दोनों में प्रॉब्लम्स है, तो मुझे लगता है 5 और 10 डेज काफ़ी है आप दोनों की रियूनियन के लिए। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो 5 टू 10 वीक्स लग सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रही हूँ नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप का फ्यूचर मैं देख लेती हूँ। एंजल्स आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी, जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं इनके बीच और थर्ड पार्टी के बीच आगे क्या होगा, प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल। फ्यूचर की एनर्जी तो बड़े फटाक से दे रहे एंजल्स। एंजल्स को लगा मैं शायद आपके लिए कोई टॉपिक ना रहूं, इसलिए एंजल्स ने ना वही पे दो तीन कार्ड एक्स्ट्रा दे दिए थे, क्योंकि क्लेरिफाई के लिए और 2 कार्ड एक्स्ट्रा लेती हूँ मैं तो नहीं। एंजल्स मैं तो लेने वाली थी, मैं लूंगी अभी भी। देखिए फ्यूचर की एनर्जी वो भी मिक्सिंग ही है, इसलिए एंजल भी बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या पर्सन है ना आपके, बिल्कुल ढक्कन है ढक्कन। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। आगे भी कुछ ज्यादा होगा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है वहां पे एक्शन मोड में। मुझे लगता है किसी के जो पर्सन है ना इनको और थर्ड पार्टी के बीच कुछ ना कुछ लीगल इशू आगे हो सकता है। ऐसा लगे आपके पर्सन को वो बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं इस रिश्ते में, ऐसा लगेगा आपके पर्सन को आगे। मुझे लगता है आपके पर्सन की एनर्जी कम्प्लीटली कट ऑफ करने की, और मुझे आप भी कुछ इनको घास तो नहीं डालने वाले आगे भी, और इसीलिए लगेगा इस पर्सन को कि इनके लाइफ से जो गुड अपॉर्चुनिटी थी वो इन्होंने मिस कर दी है। ऑप्शन तो रहेंगे आपके पर्सन के लाइफ में या फिर थर्ड पार्टी के लाइफ में, बिल्कुल ही ठंडी रिएक्शन रहेंगे इन दोनों के एक्शन में। खुद पे फोकस होने की एनर्जी है, या तो थर्ड पार्टी की हो सकती है या फिर आपके पर्सन की हो सकती है। आगे एनर्जी कोई किसी एक का परमानेंटली या इस रिलेशनशिप से इमोशनल विड्रॉ तो है डेफिनेटली गाइस। डबल कंफर्मेशन या फिर 4 ऑफ सोर्स, ये भी एनर्जी मुझे डेथ इंडिकेट करती है और ये भी एनर्जी डेथ की इंडिकेशन देती है। तो डेफिनेटली ये होगा, क्लियरिटी एक दोनों में ना बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगा, और जब क्लियरिटी आ जाएगी आपके पर्सन के सामने, आँखों के सामने सारी सच्चाई सामने आ जाएंगी एस ऑफ सोर्स की एनर्जी से, तुरंत आपके पर्सन उस रिश्ते से निकल जाएंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी ना इनको मैनिपुलेट बहुत करती, प्यार करके प्यार भरी बातें कर करके ना इनका दिमाग पूरा उसने खराब करके रखा है, और आपके पर्सन भी ना इसके बहकावे में आ जाते हैं। बट जिसकी फितरत रहती है ना हमेशा का इसकी, लोगों का छीन के खाना, लोगों को धोखा देना, लोगों के आँखों में धूल झोंकना, झूठ बोलना, वो कभी बदलती नहीं। मैं बोलती हूँ ना कभी भी झूठ का साथ लेके आप ज़्यादा दिन तक आगे दौड़ नहीं सकते, कभी ना कभी आपको सच का सामना करना ही पड़ता है। तो आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, आप कितने भी मास्टरमाइंड क्यों ना हो, बट एक दिन आपको अपने मुंह के बल गिरना ही है अगर आप किसी गलत के सहारे जा रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे? मैं जब भी आप भी नोटिस करती होंगी, जब भी मैं थर्ड पार्टी का टॉपिक निकालती हूँ तो या तो यहाँ पे डेथ की एनर्जी आती है, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस कार्ड, या तो इसकी डेथ की एनर्जी आती है, या तो 8 ऑफ कप की एनर्जी आती है, या तो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है, मतलब एंडिंग की तो एनर्जी आती है। बट ये थर्ड पार्टी ना मैनिपुलेटिव है, और आपकी वीकनेस क्या है पता है, आपके पर्सन हल्के कान के हैं,
ये बहकावे में आ जाते हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी को इनको मैनिपुलेट करना इतनी इतना मुश्किल काम लगता नहीं है, बहुत आसान हो जाता है उसको। एट ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी क्यों है जैसे यहाँ पे, भले आपके पास कितनी भी बोलते हैं ना होशियार इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट मुझे लगता है इस मामले में थर्ड पार्टी इनसे ज़्यादा होशियार है। हैंगमैन, एट ऑफ सोर्ट्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे हैंगमैन, क्वीन ऑफ सोर्ट्स को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे द वर्ल्ड। कार्मिक तो ट्रिगर इतने मिलने वाले इस पर्सन को, आगे तो खुद ही कट करके जाने वाला है, इतने गंदे गंदे ट्रिगर आपके ये थर्ड पार्टी देने वाली इसको। लटके रहेंगे इनका फ्यूचर, आगे तो कुछ दिखता नहीं, लटका ही फ्यूचर दिख रहा है। फोर ऑफ कप की एनर्जी दे बोलिए आर्कएंजल माइकल क्यों है यहाँ पे, फोर ऑफ कप की एनर्जी को कौन सा मैसेज देंगे आप आर्कएंजल माइकल। ओके मून, बहुत सारे सीक्रेट्स जो ढके हुए थे वो तो सामने आने ही आने हैं, और जब ये समझ में आ जाएगा ना आपके पर्सन को, तो इनको तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही इमोशनल बवंडर हो गए इनके साथ। सेवन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, आप फिर भी इतने मासूम हो, इतना होने के बाद इनके लिए आप एनर्जी देखते हो, इनको तो इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखिए जैसे ऑप्शन तो है आपके पर्सन के भी लाइफ में बहुत है, और कोई और नया ऑप्शन आपके पर्सन ले ले अगर आपने भी इनसे किनारा कर लिया है। लॉजिकल प्रैक्टिकली सोचेंगे ये पर्सन, ऐसे दुमदमा के भागने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, 25 to 35 एज ग्रुप मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। हाँ यहाँ पे फोर ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का क्लेरिफाई कर रहा है फोर ऑफ कप, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। इनको पता है अभी रिश्ते में कुछ भी रहा नहीं है, कोई एक्शन लेने का कोई फायदा ही नहीं है, ये पर्सन उस एक्शन में कुछ भी मोमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनको जितना मिस करना था, इनका जितना लॉस होना था हो चुका है, अब जो गया है वो तो उनसे मिलने से रहा। 4-4 की एनर्जी बहुत आ रही है, हो सकता है आप लोगों को 444 आजकल ज़्यादा दिख रहा है, 444 88। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, सेल्फिश की एनर्जी लग रही है मुझे, सेल्फिश। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन बहुत आ रही बैठी क्वीन, जहां से जैसे दिखे, जो अब ये एनर्जी आपकी नहीं आपके पर्सन की एनर्जी, बट मुझे दिमाग में ख्याल आया ये आपकी भी एनर्जी हो सकती, तो जैसा आ जिधर से आ मैं तो काट के रखने वाली हूँ, ये गुस्सा आपका ही दिख रहा है मुझे। हाँ ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपने डिटैच करके रखा है, आप क्या करेंगे, आपका ध्यान कहाँ पे, आपका ध्यान खुद पे, ऐसे भी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। मेरे पास तो आई मत भाई, अपना बोरे अभी सा संभाल उधर ही जा, तो मैं तो मस्त अपने लाइफ में, ये एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। ये आपके पसंद भी हो सकते हैं, कट कर देंगे और अपने खुद के सेल्फ लव में आ जाएंगे। द फूल की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, हाँ अब समझ में आ रहा है, ठहर ठहर के सोच रहे आपके पसंद कि हम कहाँ से बेवकूफ बने भाई, इतने टाइम से बेवकूफ बन रहे हम लोग, ये थर्ड पार्टी ने हमें कब से बेवकूफ बना रही है। हाँ क्वीन ने तो दिल तोड़ दिया, क्वीन तो आगे भी दिल तोड़ने वाली है, 3-3 की एनर्जी आई, क्वीन तो गंदे तरीके से दिल तोड़ने वाली है, कब दिखा दिखा के दिल तोड़ने वाली इनका प्यार का, कब दिखा दिखा के। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, काम करेंगे, ये क्लियरिटी मिल जाएंगी फिर आ जाएंगे अपने काम पे। यहाँ पे आप लोगों को 888 भी बहुत दिखेगा शायद, एंजल नंबर है, आप देख लेना गूगल सर्च करके ये क्या मैसेजेस है, यहाँ पे 444 4 times 4 डबल 3 नंबर दिख सकता है आप लोगों को, 888 दिख सकता है,
यहाँ पे कौन छोड़ के जा रहा है भाई, किंग छोड़ के जा रहा है इस रिश्ते से, ये पर्सन काम पे फोकस करेंगे। बॉटम ऑफ द डे की यहाँ पे ओके साइन नारा टाटा बाय बाय करके ये किंग चला जाएगा थर्ड पार्टी। देखना, देखिए आप कितनी सही एनर्जी दिख रही, समझ में आया? टाटा बाय बाय सी यू साइन नारा थर्ड पार्टी को। यह है फ्यूचर आपके पर्सनल थर्ड पार्टी का। ओके अब देखते हैं ये पर्सन आपके लिए क्या सोचेंगे आगे चलकर, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि इसके लिए कोई ये देखने के बाद तुरंत आपके मन में एक सवाल आते हैं, फिर हमारे लिए क्या करेंगे इसके लिए, फिर आप वेट करेंगे नया टॉपिक का, रीडिंग का। तो मैंने सोचा चलो इसी रीडिंग को जोड़ के ये टॉपिक में बना लेती हूँ कि ये पर्सन की एनर्जी आपको लेके आगे क्या रहेंगी। आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू अभी भी यही है। अरे सुधर जाओ अभी तो। दोनों कैसे रहेंगे भाई, या तो हम या तो वो, नहीं तो आप आओ ही ना। यस आप बोलते हमें तो एक ही चाहिए, ये दो लेके आ रहे, टू ऑफ पेंटेकल्स लेके आ रहे, आप बोले हमको टू नहीं भाई, हमको तो एक ही चाहिए। स्टार्ट करनी है तो हमसे कीजिए और हमी से कीजिए। हाँ टावर तो भाई आपके ऊपर भी आ रहा है, संभल के रहिए। ये बहुत कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, स्टार्ट करेंगे। फैमिली भी वो है शायद, आपकी फैमिली इनसे, ये मैरिड है आपसे। अपने साथ टावर मोमेंट भी लेके आ रहे क्या? एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों आएगा इस, डेफिनेटली आप मैरिड है। बट ये आप थोड़ा संभल के रहिए, हम टावर को क्लेरिफाई करेंगे ये कौन सा टावर लेके आ रहे। स्टार्ट तो ये पर्सन आपके साथ करेंगे, ये जगलिंग वाली एनर्जी है ना, शायद टावर हो ही हो, आपको एक्सेप्ट ना हो ये जगलिंग। ये देखिए कंफ्यूज रहेंगे, आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको मेरा तो सिर्फ मेरा, ऐसा बटा हुआ नहीं चाहिए हमको, ये एनर्जी आपकी है, शायद इसीलिए आगे दिक्कत हो आपके रिश्ते में। इनके विश फुलफिलमेंट भी आप हो, इनके हैप्पी फैमिली भी आप हो, इनका सब कुछ आप हो, इसके बाद ही ये कंफ्यूज है, इसके बाद ही इनको बैलेंस करना है। समझ में नहीं आ रहा है किसे पसंद है, यहाँ पे सब कुछ है तो बाहर क्या क्या जाना ना, पता नहीं लोगों को सब कुछ मिलता है फैमिली में फिर भी बाहर क्यों जाते हैं, समझ में नहीं आता है बाहर का कौन सा अलग रहता है और जो मिलता भी वो कितना सच रहता है, इनको क्या पता है कि गारंटी कार्ड या फिर गारंटी लेटर देते हैं क्या कोई इनको। टावर भी खाते, धोखे भी खाते, छुरे भी खाते, सब कुछ करते। बीवी घर पे एक बात बोल दे तो बाप रे, बीवी ने तो कितना बड़ा अन्याय कर दिया, बाहर मार खा के आते। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू? ऑप्शन तो रहेंगे भाई इनके लाइफ में जस्टिस। यहाँ पे ना गाइस थोड़ा क्या लग रहा है कि देखिए इनका सब कुछ आप है, बट ये इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस रहेंगे। हैंगमैन है आपके लिए भी, आपके टूवर्ड्स भी, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई है। ये कंट्रोलिंग है, मैनिपुलेटिव है, आप इनकी हर बात इसीलिए मानते हैं क्योंकि आप इनके बच्चों की या तो माँ है या तो आपकी इनसे फैमिली है, आप नहीं चाहते फैमिली में डिस्टर्बेंस, इसीलिए आपकी आप इनकी हर बात एक हद तक मानते हैं। बट क्या इनकी हमेशा जो आदत है ना ऑप्शन से घिरे रहने की, ये शायद आपको आगे चलकर ट्रिगर करे। हो सकता है यहाँ पे किसी किसी का डिवोर्स तक हो जाए आगे चलकर। देखिए आर्कएंजल माइकल ने तो पहले ही बता दिया, टू ऑफ पेंटेकल्स, टू ऑफ सोर्स, टावर को क्लेरिफाई कर रहा है फोर ऑफ पेंटेकल्स। मैंने बोला ना आपके लिए भी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा रही है। देखिए ये कुछ कर नहीं सकते हैं थर्ड पार्टी के साथ, इसीलिए आपके पास आएंगे, और आपके पास आए आ रहे तो इसका मतलब मजबूरी में आ रहे हैं। इनकी फैमिली आपसे जुड़ी है, इनकी लाइफ की खुशियां आपसे जुड़ी है, बट इनका दिल अटका रहता है थर्ड पार्टी के पास, वो कुछ भी करे
वो कितना भी धोखा दे, कुछ भी करे, बट इनका दिल वही अटका रहता है। इसीलिए बैलेंस करने की एनर्जी है आप में और थर्ड पार्टी में। हो सकता है कुछ लीगल इश्यू आप में, यहाँ पे लीगल इश्यू की मुझे दो बार एनर्जी आई गाइस, तो आप दोनों में हो सकता है आगे चलकर डिवोर्स हो, बट लीगल इश्यू से आपके पर्सन घिरे ज़रूर है। फ्यूचर में एक बहुत बड़ा लीगल इश्यू आपके पर्सन फेस करने वाले हैं। कन्फ्यूज की एनर्जी है, ये पर्सन स्टार्ट कर रहे, देखिए वहाँ पे भी ऐसा कब था, वहाँ पे उसको भी क्लेरिफाई कर रहा था टू ऑफ सोर्स है, यहाँ पे भी ऐसा पेंटेकस को क्लेरिफाई कर रहा है टू ऑफ सोर्स। कन्फ्यूज ये पर्सन स्टार्ट तो करेंगे बट ड्यूअल माइंडसेट में करेंगे। ये पर्सन अपनी किसी एक थॉट प्रोसेस पे लॉयल बिल्कुल भी नहीं है, तो स्टार्ट भी करेंगे तो थोड़ा सोच समझ कर आपको रहना है। बाद में टावर क्यों आ रहा है, मनी को लेके हो सकता है कोई मनी लॉस आपको आगे चलकर हो इस रिश्ते को लेकर, कुछ तो मनी से लेके गड़बड़ होने वाली है, तो थोड़ा संभल कर रही है। ये पर्सन बहुत एडिक्टिव हो सकता है इनको ड्रिंकिंग हैबिट ज़्यादा हो या फिर कुछ और गंदी हैबिट ज़्यादा हो, इसके चलते ये पर्सन आगे चलकर आपको और ज़्यादा अब्यूसिव करे, मैनिपुलेटिव रहे, आपके साथ बहुत गंदा बर्ताव करे, तो आपको उस टाइम को लेके, उस वक्त को लेके थोड़ा संभल लेना है। अगर आप की कोई मजबूरी इनसे जुड़ी रहना तो इतना थोड़ा आपको संभलना है। एम्परर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है आर्कएंजल माइकल, ये बहुत सेल्फिश पर्सन है, ये अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने लिए ही सोचते हैं, मेरा पैसा, मेरी लाइफ, मेरी खुशी, सब कुछ मुझसे शुरू होकर मुझ तक ही खत्म होती है, और ये नेचर इनका आगे भी रहेगा। टेन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, मैंने बोला ना शादी में कुछ तो जस्टिस होगा, या तो ईश्वर आपको कोई जस्टिस देंगे, ये पर्सन आपको कोई जस्टिस देंगे, ये तो एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, बट मुझे लगता है कि ये सच में फ्यूचर में आप लोगों का डिवोर्स हो। एम्प्रेस को क्लेरिफाई करें व्हील ऑफ द ईयर, देखिए डेस्टिनी आपको फेवर करेंगी गाइस, आप पर इनको जो करना है करने दीजिए, डेस्टिनी फेवर तो आप ही को करेंगे, आपको बस इतना सोच समझ के चलना है कि डेस्टिनी आखिर फेवर करेंगी किसको, डेस्टिनी का पूरा पूरा साथ आपके साथ रहेगा, ये कुछ भी करें बट डिवाइन इज विथ यू। टू ऑफ सोर्स कंफ्यूज रहेंगे, फोर ऑफ सोर्स सेपरेशन की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, कुछ लोग तो डेफिनेट सेपरेट हो जाएंगे। देखिए आप डिवोर्स भी लेंगे ना तो ईश्वर का ही एक सजेशन मान के आप डिवोर्स ले लेंगे और आप आगे जाएंगे आपके लाइफ में। आप डिसीजन कौन सा भी ले, इनके साथ जुड़े रहने का, इनसे अलग होने का, डेस्टिनी आपके साथ है, ये क्लियर कट मुझे एंजल्स यहाँ पे बोल रहे हैं। यस, ड्यूअल माइंडसेट रहेगा आपके पर्सन को, आप नहीं चाहते, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके रिश्ते को हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो सेपरेशन मोड डेफिनेटली है। नाइन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, हाई प्रिस्ट यहाँ पे किसी को तो समझ में आ गया है कि एक विश फुलफिलमेंट आपसे जुड़े, ये तो आपके पर्सन ही इतने होशियार बनते हैं कि इनको पता है कि भाई खुशियाँ इनसे जुड़ी है, इनसे तो कम्प्लीटली जोड़ा भी नहीं जा सकता, इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता, ये ड्यूअल माइंडसेट में आपके पर्सन रहेंगे। मुझे लगता है थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर ये पर्सन आपसे डिवोर्स की मांग करे, आपको छोड़ने के लिए बोले, आपको अपने घर से हकल देने की एनर्जी रहेंगी इनकी, ऐसा कुछ रहेगा। बट इस पर्सन का इतना तो इंट्यूशन डेफिनेटली है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट आपसे जुड़ी है, कुछ तो है आपके पास ऐसा इनका जो इनको चाहिए, जो इनके लिए इम्पोर्टेंट है, कुछ तो अवेकनिंग है। ये पर्सन खुद इतने मैच्योर्ड है, एजेड पर्सन हो शायद, बट फिर भी ये पर्सन ऐसा करेंगे। एक मुकाम में आने के बाद ना इस पर्सन का कुछ तो रियलाइज होगा, इतना गलत तो कर जाएंगे ये पर्सन आपके साथ, बट कुछ सर्टन टाइम के बाद इस पर्सन को कुछ रियलाइज तो डेफिनेटली होगा। अब देखते हैं सेवन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल्स यहाँ पे, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, यहाँ पे सेवन ऑफ कप की एनर्जी क्यों, इतने सारे ऑप्शंस क्यों है, ये ऑप्शंस की एनर्जी क्यों है आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी। चीटिंग,
सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन को क्लेरिफाई सेवन ने किया है। यस, चीटिंग तो है, ये पर्सन टावर यूं ही नहीं लेके आए, मैंने बोला ना थर्ड पार्टी को इन्होंने छोड़ा नहीं, थर्ड पार्टी को कैरी करते आ रहे हैं, और हो सकता है इनका थर्ड पार्टी का मिलके कोई डिसीजन हो, इनका इनका खुद का कोई प्लानिंग हो जो आपको नहीं पता है, और वही चीटिंग है। ये पर्सन कुछ तो अपने माइंडसेट के साथ आपके साथ आ रहे हैं जो कन्फर्म नहीं है, जो खुद कन्फ्यूज है, जो दो दो माइंडसेट के साथ चलता है, जो मैनिपुलेटिव है, बिजी है, जो लॉयल तो बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्टवर्दी पर्सन, ये 1% भी ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है गाइस। इस पर्सन के मन में चोर है। जस्टिस की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है। जस्टिस को क्लेरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ कप। तो भाई है, अब ये तो दो एनर्जी आ रही, या तो जस्टिस से आपको देंगे, आप इनके सोलमेट इनको रियलाइज हो जाए, समझ में आ जाए, या तो आप इनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, जस्टिस आपके साथ यूनिवर्स ये कर सकता है कि आपको अपने सोलमेट से मिला दे, आपके लाइफ में कोई सोलमेट आ जाए, जो पर्सन पास्ट में चला गया था वो पर्सन आपके लाइफ में आ जाए। बट ये जस्टिस डेफिनेटली हो सकता है, जस्टिस आपके बच्चों के कारण आपको मिली। ये पर्सन कोई अगर सोचे भी, चीटिंग करने के लिए सोचे, छोड़ने के लिए सोचे, कुछ भी करने के लिए सोचे, बट ये कर ना पाए, इसलिए ना कर पाए क्योंकि आपके बच्चे हैं इनके साथ। एक मोड पे बच्चों को देख के ये पर्सन शायद अपना डिसीजन चेंज कर दे। ये एनर्जी है किंग ऑफ फैंस की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक एक एक्शन की, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, और इसको कौन काट रहा है यहाँ पे, किंग ऑफ फैंस। जो सिचुएशन लटकी हुई थी आपके फ्यूचर में लटकी रहेंगी, हो सकता है एक्शन मोड में आज आके ये लटकी हुई सिचुएशन निकल जाए लाइफ से। उतार चढ़ाव, स्ट्रगल्स, कंपटीशन बहुत है गाइस, आपको थोड़ा संभल के चलना है। मैं इतना ही बोलूँगी, आपको बिल्कुल ही सावध रहना है इस पर्सन को लेके, बिल्कुल ही सचेत इमोशंस में बहना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है इस पर्सन के साथ क्या हो रहा है, इंट्यूशन हाई प्रिस्ट की एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपको ऑलरेडी पता है कि इस पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है, ये पर्सन आपके साथ आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसका क्या इंटेंशन है शायद आपको पता है। बट हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसी मजबूरी जिसके चलते आप डिसीजन लेने के लिए मजबूर है, किसी भी नतीजे पे आने के लिए आप मजबूर है। बट अगर सिचुएशन इतनी टॉक्सिक आती है तो मैं बोलूँगी आप सोचिए, किसी के बच्चे हो सकते हैं शादी को कई साल, मैंने कमेंट में पढ़ती हूँ काफ़ी सारे साल शादी को हो जाते हैं, बाद में ये सिचुएशन आती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस सिचुएशन से डील करना। समझ में नहीं आता है कि इतना अच्छे खासे अपनी फैमिली लाइफ चलती है, ये थर्ड पार्टी लाइफ में आती क्यों है। नो नीड टू वरी सक्सेस, एंजल्स बोल रहे हैं आपको, नो नीड टू वरी सक्सेस। आपके पर्सन थर्ड पार्टी क्यों लाते हैं मुझे नहीं पता, इनके पास रीज़न की कमी नहीं है, ये था वो था इसीलिए वो था। तो मेरा सवाल आपके पर्सन से हमेशा रहेगा, आप भी कर सकते हो ऑन माय बिहाफ, क्या कभी इन्होंने आपको वो खुशियां दी जो आप डिजर्व करते थे, तो क्या आप बाहर ही गए थे किसी के पास खुशियां ढूंढने के लिए, आपने तो इनका सारा बर्ताव, गाली गलौज, इनकी मारपीट, इनका कैरेक्टर सेंसेशन जो इन्होंने आपका किया था, तो सब कुछ आपने तो इनका सहन किया, आप तो फिर भी कहीं बाहर नहीं गए, फिर इन्होंने ऐसे, आपने तो इतना तो अत्याचार इन पर नहीं किया होगा फिर भी ये चले गए, ये सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं गाइस। बस अपनी, मैं तो बोलूँगी अपनी कोई चाहत है जिसको फुलफिल करने के लिए बाहर जाओ, और 100 रीज़न अपने पार्टनर के मत्थे लगा दो और विक्टिम मेंटेलिटी प्ले करो। बट मेरा सवाल यही है, ये करके आप किसको तसल्ली दे रहे हैं, लोगों को या अपने आप को, क्योंकि आपको भी अंदर से पता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है, बावजूद इसके आपने ऐसा कुछ किया है तो सच में आपने कितना गलत किया है। आप सबसे तो भाग के जाएंगे, बट ईश्वर से, अपने ज़मीन से कैसे भागेंगे आप, आपको यही पे
इसी लाइफ में फैसला होता है, इसी लाइफ में आपको आंसर देने होते हैं। कितने ही चालाक क्यों ना हो, कितने ही आप चतुर क्यों ना हो, कितने आप मैनिपुलेटिव क्यों ना हो, बट उसके सामने किसी की कुछ नहीं चलती। ये बात जितनी समझ में, जितनी जल्दी आपके पर्सन के समझ में आ जाए उतनी अच्छा है। अगर आप कभी भी बात होती है तो ये बात ज़रूर छेड़े। एंजल आपको बोल रहे हैं, नो नीड टू वरी सक्सेस। चूज अ न्यू डायरेक्शन। जी, आपके लाइफ में अगर कोई पर्सन नई तरीके से दस्तक दे रहा है तो आप जा सकते हैं सक्सेस। आपको तो भाई, आप इसके साथ रहो या फिर इसके साथ इसको छोड़ के जाओ। आप, मैंने बोला ना, एंजल की ब्लेसिंग है, डेस्टिनी आपको फेवर करेंगे गाइस। यस, लोगों, आप चैरिटी कर सकते हैं, लोगों की मदद ले सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, आपको फेवर किया जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, लाइफ में वो खुशियाँ मिलेंगी जो आप डिजर्व करते थे। इट्स अप टू यू, आप चाहते क्या है, इसी पर्सन के साथ या फिर कोई और नई डायरेक्शन आप देखते हैं, कोई और नया कनेक्शन आप सोचते हैं। ये थी गाइज आज की रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी डेफिनेटली बताना, चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहना। हैव अ नाइस डे, वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, गुड डे, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।